I am Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center. आज इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर मैं आपको खुश रहने के लिए नाद योग के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत बेसिक सी बात, कैसे प्रैक्टिस करें। सुबह उठें, प्रेफरेबली 5 बजे से पहले अगर आप उठें तो बहुत अच्छा है, और शांत स्थान पे बैठे, आलती पालती मार के बैठे या फिर चेयर पे बैठे बड़े लोगों के लिए, और आपने आंखें बंद करके दोनों हाथ आपने अपने थाइस के ऊपर रखने, और आपने उच्चारण करना है, पहले आ फिर ओ फिर मां का। देखिए कैसे करना है। सांस गहरी लेंगे और फिर उच्चारण करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आ इस तरह से उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर आपने बोलना है। इन 7 बार करने के बाद हम ओ का उच्चारण करेंगे। ओ तरह 7 बार उच्चारण करेंगे, फिर मां का उच्चारण करेंगे। जब आप ये उच्चारण कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी कंपन कहाँ हो रहा है। आप पाएंगे जब आ का उच्चारण करते हैं आप, तो कंपन आपके नाभि चक्र पे होता है। जब ओ का उच्चारण करते हैं तो हृदय चक्र पर कंपन होता है, और जब आप मां का उच्चारण करते हैं तो विशुद्धि चक्र पर उच्चारण होता है। इसको आप ध्यान की तरह से कीजिए, ये सिंपल सी एक्सरसाइज करके आप ध्यान में बैठे, बहुत सुंदर ध्यान होगा इसके बाद। ये खुश रहने के लिए बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई है, खुशी पाने के लिए नाद योग कैसे करें।